दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साईप्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के साथ एडीजी जोन ने की बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाना क्षेत्र के जीडीए टावर में हुई मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संबंधी एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। 3 मौतों के बाद जागा वन विभाग, अब कराएगा पालतू हाथियों का सर्वे। सहजनवा थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जीडीए सचिव ने दी जानकारी, कहा आगामी 15 अप्रैल तक पर्यटक व जनपदवासी उठा सकेंगे क्रूज का आनंद। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ज्वाला मां मंदिर में मूर्तियों का हुआ प्राण प्रतिष्ठान। खेलो इंडिया के तत्वावधान में दिग्विजयनाथ संस्कृत महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 26 से 5 मार्च तक। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की विभिन्न समस्याओं व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में रिटायर्ड आईजी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा सेवानिवृत्त व पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया और मौजूद संबंधित कार्यों को त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया गया। वहीं शासन से मिलने वाली सुविधाओं को सुचारू रूप से दिए जाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के सुझावों को भी लिया गया, जिससे बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और नमस्ते करेगा, अपना नंबर देके जाएगा, और अगर 3 दिन में नहीं करता तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सूचित कर देंगे, वो एसपी सिटी को सूचित करेंगे, हम लोग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसे जो है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप लोगों के साथ एक कार्रवाई मीटिंग कर लेंगे। ठीक है पियानो साहब, आप शो कर दीजिएगा, आप बता दीजिए, सुन रहे, नोट कर लो। जहाँ तक टीडी का भी आप लोगों ने ब्रॉडली प्रश्न लिया, वो भी आपने कहा कि आप इस जनपद में मिल रहा है, आपको किसी भी जनपद में आप रह रहे हो, यहाँ के नहीं बाकी को भी आप कहिए, वहाँ के संबंधित बिल आप वहाँ पे देंगे। प्राथमिकता के आधार पर हम आपका टीएडी पहले रिलीज करेंगे। जिला पुलिस का तो तब भी एक बार रुक सकता है, बट पेंशनर्स का ये छूट नहीं होती। जो जिले भर की सूची है आप यहाँ पर इनको शेयर कर लीजिए, एक पीडीएफ बना दीजिए आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट वाइज के पेंशनर्स की सूची थाना वाइज आप आप फोटो खींच के ये व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें करना क्या है। और ये सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर खाना, ये सर कि सभी खाना बच्चों को आदेशित हो जाए, क्योंकि सर लिस्ट लेके आप अपने ग्रुप पर रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर अपने खाने का। देखिए अब टेक्नोलॉजी आ गई है, यहीं से हम ग्रुप में डालते हैं, सभी थाना प्रभारियों को पता लग जाता है, एसपी को पता लग जाता है, क्रेडिट बनेगा तो ऑटोमेटिक वो चीजें अपडेट होने वाला है। कुछ व्यक्तिगत इशू आए हैं, एक तो उन्होंने कहा कि नाम गलत हो गया, आप अपना एप्लीकेशन हमारे पीआर को दे दीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार व सेवानिवृत्त आईजी वीरेंद्र कुमार ने बताया, हम नियमित रूप से अपने परिवार के जो पेंशनर्स हैं, पुलिस परिवार के पेंशनर्स, उनसे मिलते रहते हैं। तो आज हमारे सदे रिटायर्ड आईजी वीरेंद्र कुमार साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जहां हमारे भारी संख्या में पेंशनर्स आए थे, उनके साथ अच्छी विचार गोष्ठी हुई, उनके से वो संबंधित विषय हैं उन पर उन्होंने विचार विमर्श किया, उनको कैसे समस्याओं को दूर करें उस पर विचार विमर्श हुआ, शहर की समस्याओं पे पुलिस पेंशनर्स किस तरह योगदान कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श हुआ, और हम लोग ने सब मिलके कुछ निर्णय लिए हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे शहर में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हो और उसमें पुलिस पेंशनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ये तय हुआ है।
सर मुख्तार क्या समस्याएं रहेंगी? देखिए, एक तो जो पेंशनर्स होती हैं उनकी एक अपनी व्यक्तिगत विभागीय समस्याएं होती हैं, कभी कुछ रिम्बर्समेंट का होता है, कुछ चीज़ें उनको TADA हो जाते हैं, कई बार आना जाना उसमें तकलीफ हो जाती है, तो विभाग उनकी समस्याओं को त्वरित रूप से देखे, सेंसिटिव रहे। हमारे सपोर्ट स्टाफ हमेशा ये शिकायत रहती है कि जो सर्विंग ऑफिसर होता है तुरंत निग्लेक्ट करने लगते हैं, तो ये चीज़ हमें दूर करने के बाद यह संवाद को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इन्हीं सब विषयों पर भी विचार विमर्श हम लोगों ने किया था। साथ ही साथ हम लोग जो हाल में त्रिनेत अभियान चल रहा है उसमें उनका भी सहयोग मांगा गया और उनमें सर्वसम्मति सबने कहा कि वो अपने 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 स्थानों पर अपने आसपास पड़ोस में भी CCTV लगाने का प्रोत्साहित करें। आज मीटिंग में बहुत संख्या में पेंशनर्स आए थे, उनकी समस्याओं को सुना गया, विशेषकर ADG साहब ने उनको बड़ा इनलाइटन किया और अनुरोध किया कि सब लोग CCTV लगाएं, अपने एरिया का ध्यान रखें, किसी तरह की कोई सूचना हो तो पुलिस को दें। बीते गुरुवार की शाम कैंट थाना क्षेत्र के GDA टावर में लड़कियों में हुई आपसी मारपीट को लेकर पुलिस तफ्तीश में लग गई है। वहीं मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की पहचान कर उन्हें महिला थाने पर बुलाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, GDA टावर गोरखपुर में कल रात्रि को दो ग्रुप ऑफ वुमेन में आपस में मारपीट की फाइट हुई। उस फाइट का एक वीडियो है, वो संज्ञान में आया है। उस वीडियो को संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको महिला थाने पर बुलाया जाएगा और महिला थाने बुलाए जाने के बाद काउंसलिंग की जाएगी। अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होने पर भी आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित की। राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े सक्रिय रोग खोज अभियान SPF कैंपेन के संबंधित एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने किया। कार्यशाला के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार व क्षय रोग पर प्रभावी नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस समाचार को कोई सत्यानित नहीं करता है, तो आज आपकी नजरों से पूरा समाज देखता है। और मैं जानता हूं कि जैसे लोगों में तंबाकू खाने की लत होती, शराब पीने की लत होती है, वैसे 50% से ज्यादा आबादी में सुबह समाचार पत्र पढ़ने की लत होती है। मीडिया आने के बाद, मोबाइल ऐप आने के बाद, तमाम होने के बाद भी, लेकिन अभी भी समाचार पत्रों की कमियां कम नहीं हुई है। सुबह 4 बजे से ही लोग जो है हमारी मित्र मंडली में, इवन मैं हूँ, और जिस दिन हमारा इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, आज CIFAR के सहयोग से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत को TB मुक्त बनाने का सपना देखा है, उसी दिशा में गोरखपुर जनपद से हम लोग जो है अपना जितना भी सहयोग हो सकता है दे रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम उस समय मनाया जा रहा है जब हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे करा रहे हैं। ये हमारी टीमें गांव-गांव घर-घर जा कर के जो भी लक्षण युक्त मरीज हैं उनको खोज रहे हैं, उनकी बलगम की जांचें करा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। मैं हर मंच से, हर फोरम पर यही कहता हूँ कि 1962 से ट्यूबरक्लोसिस का मुक्त का अभियान चला पा रहे हैं, लेकिन आज तक इतने दिनों होने के बावजूद भी अभी तक हम लोग TB मुक्त भारत नहीं बना सके हैं।
उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह गई हैं, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर गांव में सरपंच का कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव चिन्ह कम से कम 50 साल तक लोग जानते हैं। आज भी गांव में हमें बताना पड़ता है टीबी का इलाज मुफ्त होता है, टीबी की जांच मुफ्त होती है, इसमें दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं और इसको खाने वाले को हम 500 रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ते के रूप में देते हैं। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं दूर स्थानों तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, उसमें आप लोगों की एक अग्रणी भूमिका है। अतः मैं आज इस सिफार के मंच से आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि गांव-गांव में इसे जन सहयोग आंदोलन के रूप में चलाया जाए, एक जन जागरूकता के रूप में चलाया जाए और इस अपने समाचार को कि टीबी निःशुल्क उपचार होता है, निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क दवा दी जाती है और जो भी उपचारित व्यक्ति होता है जिसका उपचार किया जाता है उसे 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति टीबी के मरीजों को दवा खिलाता है उसको भी जो है कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस महाअभियान में, इस महायज्ञ में आप लोग भी अपनी कुछ न कुछ आहुति दीजिए, हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। चुलाताल के मोहम्मदपुर माफी गांव में विगत दिनों हाथी द्वारा 3 लोगों की जान लिए जाने के बाद अब वन विभाग पालतू हाथियों की खोजबीन शुरू कर रहा है। वन विभाग द्वारा पालतू हाथियों का सर्वे भी कराया जा रहा है जिससे उसकी सूची तैयार कर विभाग अपने पास रखेगा। साथ ही पालतू हाथियों की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण आदि का कार्य समय समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे किसी भी अप्रिय घटना के समय जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DFO विकास यादव ने बताया, उस घटना के बाद से हमारी प्राथमिकता जो थी हाथी को कंट्रोल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने थी ताकि वो बाकी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, किसी को हानि नहीं पहुंचाए, तो वो कार्य हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। हमारी 3 डॉक्टर की टीम जो कि एक आगरा से आई हुई है, एक कानपुर से आई हुई है, एक गोरखपुर चिड़ियाघर में है, वो लगातार उस हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए वहाँ जुटी हुई है। जो भी डेली के हिसाब से हम लोग रिपोर्ट ऊपर भेज रहे हैं तो हाथी को पूरी तरह नियंत्रण में रखा गया है अभी और उसकी कंडीशन अभी ठीक है। दूसरा जो है कि ये घटना क्यों हुई, हाथी कहाँ से आया था, इसके संबंध में अभी जाँच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हम आपको पूरी तरह उसमें जवाब दे पाएंगे। देखिए इसीलिए जांच हो रही है, जांच के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं, 3 सदस्य टीम काम कर रही है। अभी तक ऐसी कोई सूचना में नहीं मिली है, ना ही किसी ने आगे बढ़कर बताया कि किस हाथी किसका था, तो अभी इसके संबंध में जाँच चल रही है। देखिए अभी जो है 2018 में एक सर्वे किया गया था जिसमें गोरखपुर में 8 हाथियों की सूचना मिली थी और सूचना जो है उच्च स्तर को प्रेक्षित की गई थी उचित मार्गदर्शन देने के लिए। उसके बाद जो है सर्वे हम लोग हर साल लगभग कराते हैं और अभी जो है फिर ये जब घटना हुई है तो हम लोग फिर से एक सर्वे हम लोगों ने चालू किया है और जो सर्वे पूर्ण होने पर उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। देखिए सर्वे अभी 3 दिन हुए हैं चालू हुए और सर्वे जो है अभी हम लोगों ने कोशिश प्रयास ये है कि 10 से 12 दिन में कम्प्लीट किया जाए, तो अभी जो है प्रक्रिया में है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत सजनवा थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान ज्वाला यादव, रामभुज व रणजीत सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज श्यामदीप ने बताया, दिनांक 22/23 की रात्रि में थाना सजनवा स्थित निबरहर गाँव में एक दुर्गेश यादव नाम के युवक को कुछ लोगों ने पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था जिसके संबंध में थाना सजनवा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। दिनांक 23 की रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935509081। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त।
हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय अमित। विद मी ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जनपद वासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल पर आगामी 15 अप्रैल तक क्रूज का लाभ पर्यटकों को मिल सकेगा। इसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण निरंतर तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं क्रूज से संबंधित 80% कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव उदय प्रताप सिंह ने बताया, हम श्योर हैं कि 15 अप्रैल तक हम इस क्रूज को लोकार्पण कराने की स्थिति में होंगे। ताल में उतार करके लोग जन सामान्य के सेवा में इसे लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो क्या क्रूज के साथ साथ ही हमारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी लगभग उसी के आसपास ताल में आ जाएगा, वो भी पैरेलली बन रहा है। और उसके भी जो पार्ट्स अब वही बचे हैं जो बाहर से आने हैं, आकर के असेंबल होने। तो जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नौकायन को पर्यटकों के लिए विकसित किया है, तो इसमें काफी वो सपना पूरा होगा उनका। हाँ, लगभग 200 लोग एक साथ जो है 100 लोग हमारे क्रूज में और 100 लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में ताल का आनंद एक साथ ले सकेंगे। तो ये एक बड़ा सपना जो लोग गोवा में जाकर के पूरा करते हैं या कलकत्ता में जाके पूरा करते हैं, मुंबई में जाके पूरा करते हैं, समुद्रों के किनारे जाके पूरा करते हैं, वो रामगढ़ ताल जैसे विशाल ताल में आकर के यहाँ के आसपास की के लोग अपने घरों के समीप जो है उस सुविधा का आनंद उठा सकेंगे। महानगर गोरखपुर स्थित आर्यनगर में ज्वाला मां मंदिर पर विगत दिनों से चल रहे प्राण प्रतिष्ठान महायज्ञ के क्रम में समापन दिवस को मंदिर के पुजारी राकेश द्विवेदी की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सम्पन्न कराया गया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुनः ज्वाला मां मंदिर पर आकर संपन्न हुई। Thank you.
संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री प्रकाश अग्रवाल ने बताया। आज ये आर्य नगर तरंग रोड पे भगवान शिव भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि प्रतिमा बहुत पुरानी थी, कल लगभग 100 साल पुरानी थी, प्रतिमा खंडित हो चुकी थी और उसके वजह से सारे भक्त लोग तैयार होकर के मोहल्ले के लोगों ने इसका पूर्ण सहयोग करते हुए नई प्रतिमा का स्थापना कार्यक्रम आज किया जा रहा है। ये जलूस आज इस मंदिर से प्रारंभ होकर अलीनगर चौराहा, चरणलाल चौक, दुर्गाबाड़ी चौक, गंगे चौक होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त होगा। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खेलो इंडिया के तत्वावधान में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के खेल मैदान में किया गया। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय ने आसमान में गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 300 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सहित अन्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। आशीर्वाद के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा युवाएं। आग्रह करना चाहूंगा कि उनको मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि बच्चों की ऐसी एज होती है कि वो खेल में जाना तो चाहते हैं। समस्त अधिकृत नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रयास से क्रीड़ा जगत तथा अपने महाविद्यालय के गौरव में भाग लेंगे। ठीक है, इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह ने बताया। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज वार्षिक खेल कूद समारोह के आयोजन में आज मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार के प्रोफेसर प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। और मैं पूरे कॉलेज परिवार को, यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का। और विशेष रूप से जिन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिन्होंने मेडल जीते और जो किन्हीं कमियों की वजह से मेडल जीतने से वंचित रह गए, उन सभी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि खेल में मेडल जीतना ही उपलब्धि नहीं है, उसमें प्रतिभाग करना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो जो भी प्रतिभागी खिलाड़ी हैं, सभी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित मंडल क्रिकेट संघ से संबद्ध और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च तक किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर एकेडमी के संरक्षक डॉक्टर हर्ष सिन्हा ने बताया कि उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। सभी अवगत हैं कि लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा हर वर्ष एक ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जो कई मामले में बहुत विशेष है। एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ी पुरस्कार राशि वाला टूर्नामेंट है। दूसरी खास बात इसके साथ ये है कि ये BCCI, जो हमारा बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये उसके द्वारा तय नियमों और उसके स्कोरर्स और उसके अंपायर्स और उसके नियमों की निगरानी में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसकी एक प्रतिष्ठा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इसको समर्थन और इसमें सक्रिय सहयोग प्राप्त है, तो ये सब इसको एक बहुत ही स्तरीय टूर्नामेंट के रूप में बना देते हैं, जिसमें हर वर्ष देश की विभिन्न टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस वर्ष भी जो ये प्रतियोगिता हो रही है वो 7वीं है इस क्रम में, तो 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी ये प्रतियोगिता है।
जो इस वर्ष 26 फरवरी से 5 मार्च तक दो मैदानों पर खेली जाएगी, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर और सेंट एंड्रूज के क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जाएगी। 26 फरवरी को इसका उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे और दिल्ली की टीम के बीच में होगा। दिन भर बस नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के साथ एडीजी जोन ने की बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाना क्षेत्र के जीडीए टावर में हुई मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संबंधी एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। 3 मौतों के बाद जागा वन विभाग, अब कराएगा पालतू हाथियों का सर्वे। सहजनवा थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जीडीए सचिव ने दी जानकारी, कहा आगामी 15 अप्रैल तक पर्यटक व जनपदवासी उठा सकेंगे क्रूज का आनंद। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ज्वाला मां मंदिर में मूर्तियों का हुआ प्राण प्रतिष्ठान। खेलो इंडिया के तत्वावधान में दिग्विजयनाथ संस्कृत महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 26 से 5 मार्च तक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।